फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं सोमवार व्रत हूँ और अपने दिन की शुरुआत मैं पूजा से करना चाहूँगी। महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बु। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम तुषाराद्रि संकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाशी शरीरम स्फृण माल कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालन। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा व्रत है सोमवार का। मूंगफली मखाना भून रही हूँ और एक तरफ चाय भी बन रही है। फ्रेंड्स, मैंने इस टी में चाय पत्ती और लेमन ग्रास बस ऐड किया और दूध ऐड किया है। बस शुगर तो मैं पीती लेती नहीं हूँ, तो मैंने इसमें लेमन ग्रास यूज़ किया। आप लोग भी लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में आई हुई हूँ और बंदरों ने देखिए कितना आतंक मचाया है। देखिए, नीम की डाली तोड़ी हुई है। ये नीम की डाली यहाँ पे तोड़ के उन्होंने गिरा दिया है। गार्डन में आई हुई हूँ मैं और सारे पौधे उन्होंने इधर उधर कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा तो देखिए कि गुलाब को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। गुलाब की पत्तियों को तोड़ा है और ऐसे डाली को नीचे कर दिया है। और ये देखिए, यहाँ पे ये पपीते के पत्तियों को देखिए कैसे खा के पूरा तोड़ दिया है। चलिए चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये भिंडी विंडी के भी पौधों को उन्होंने खा लिया है, उसकी पत्तियों को बहुत सारा उन्होंने नुकसान कर देता है। मेरे केले के पेड़ में केले लगे हुए हैं और बहुत सारे नए नए उसमें से पौधे निकल रहे हैं छोटे छोटे। हमें जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो और सारी चीज़ों को